तो हेलो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा नाम आप लोग ये समझ सकते हो, और मेरी उम्र फिलहाल 17 साल है, और मैंने हाल ही में कॉलेज फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, और मैं बांग्लादेश के ढाका में रहता हूँ। और मैं मेरा कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो चलो सुन लो मेरी कहानी। तो ये बात है 3 साल पहले की, जब मैंने हाल ही में 8 का एग्ज़ाम दिया था। तो उसके बाद मैंने मेरा ई लिया, मतलब सब्जेक्ट लिया साइंस। तो साइंस के अंदर मुझे बहुत कुछ पता चला, जैसे कि एक कायनात कैसे मतलब वजूद में आई और ये सब एक्सेट्रा। तो उसके बाद मुझे समझ में आया, तो ये सब तो कुछ चीज भी तो कुन फाया कुन से नहीं होता है। हर एक एटम को तैयार होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। और उसके बाद अब सब लोगों को तो पता ही होगा, जो कोरोना वायरस के लिए हमारे सारे देश में जो लॉकडाउन गिर गया था। तो उसके बाद मुझे क्या मिला, मुझे इंटरनेट मिला। तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे, तो मुझे साइंस को लेकर बहुत दिलचस्पी थी। तो उसके अंदर मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत साइंटिफिक चैनल्स देखा बहुत। फिर मुझे हाल ही में पता चला कुछ एथिस चैनल के बारे में। तो उनमें से ये जो जफर हेरिटिक है, वो जफर भाई को मैंने देखा, तो उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ। फिर मुझे मतलब ये जो फलाना ढिमकाना इस्लाम की चीज है, उन बारे में मुझे पता चला। तो उसके बाद मेरा ईमान और पक्का हो गया ईमान और ज्यादा पक्का हो गया, लेकिन एथिज्म के लिए ठीक है। तो उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कुछ देखा। उसके बाद जाफर भाई जो सब प्रूफ देते थे हदीस की, सही बुखारी सही मुस्लिम, ये सब जो वो जो लिख देते थे, मतलब वो जो नंबर देते थे, उन सबको मैंने सर्च किया, गूगल में सर्च किया। उसके बाद मैंने किताब भी खरीदा। तो उसके बाद मुझे बहुत कुछ पता चला। तो अब मैं फिलहाल के लिए एक पक्का वाला एथिस्ट हूँ। तो इन 3 सालों में मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो उन उतार चढ़ाव के अंदर कुछ बोल रहा हूँ तुम लोगों को। तो मैं जिधर रहता हूँ वो बहुत ही कट्टर वाला एरिया है, और उधर ईमान वाले लोगों का कोई भी कमी नहीं है। तो उन लोगों को मुझे कुछ भी बोलने में पहले डर लगता था। वो मतलब जब मैं 15 साल का था, तब से मेरे अंदर धोरा धोरा हिम्मत जागना चालू हुआ। तो वो लोग मुझे बोलते थे, हमारे साथ 3 दिन लगाओ, हमारे साथ 40 दिन लगाओ। और एटलीस्ट मैंने एक बार 40 दिन लगाया, उसके बाद वो 3 दिन तो बहुत लगा यार, बहुत लगा। तो उनके बारे में वो सारे चीज फलाना ढिमकाना बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। उसके बाद मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा इच्छा जागी कि मैं इन सब को लेकर क्वेश्चन करूं। तो उनके अंदर एक हादिस था, उस हादिस में लिखा था कि वो जो मोहम्मद साहब है, उनके मामा ने मतलब क्या था, एक लॉन्डी को मतलब ई कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब स्लेवरी से ई कर दिया, मतलब जुदा कर दिया। तो उसके बाद मोहम्मद साहब ने बोला तो उस सहाबी को, तुम उसको जो मतलब आजाद ने मत करके तुम्हारे मामा को हदिया में दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो इन सबको देखकर मैंने बोला, उनको अगर आजाद कर दिया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी, तो उन्होंने उनको देने के लिए क्यों बोला। तो उसके बाद मुझे बोला मतलब ये जो रिलीजन के बारे में है, इनको लेकर क्वेश्चन नहीं करते, तो ये क्वेश्चन करने के बाद तुम काफिर हो जाओगे, फलाना ढिमकाना ये सब वो सब ये सब बोलते रहे। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कोई भी ई भी कर नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद मेरे अंदर बहुत ही जानने की इच्छा जागी, तो मैंने खुद से ही खरीद लिया बहुत सारे किताबें। उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया पढ़ना चालू किया। उसके बाद जाफर भाई ने तो थे ही मुझे गाइड करने के लिए, उन्होंने भी बहुत सारे मतलब ये दिखाए, ए नंबर के पेज में ये सब दिया हुआ है, और सब सच ही था, सब में वो सब मतलब दिया हुआ था। तो
इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ जफर भाई को, और मैं तुम सबको भी बोलना चाहता हूँ जो सब अभी भी कंफ्यूजन में है कि गॉड है और नहीं है। तो मैं तुम्हें बोल देता हूँ, 100 में से 1000% गॉड नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है, कोई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हारे अंदर का गॉड तुम ही हो और कुछ भी नहीं है। और मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, और तुम लोगों को भी मैं बोलता हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इसको नहीं मानो, तुम लोग इसे छोड़ दो, तुम मुझसे गलत बोलो, लेकिन तुम लोग इंसान हो यार, तुम्हारे अंदर IQ है, तुम्हारे अंदर नॉलेज है, चीजों की समझ सकते हो तुम लोग यार, समझो समझो प्लीज समझो। तो ये सब ही बोलना चाहता था। उसके बाद मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला ये सब मेरे बारे में, मैं ये सब नहीं मानता। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे उनको भी सब कुछ मतलब आदत हो गया मेरे बारे में, तो वो लोग मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मैं उनसे ठीक ठाक ही बात करता हूँ। और मैं मेरा स्टडी भी करता हूँ उन लोगों के साथ, मुझे स्टडी, और मैं अगर फ्यूचर में कुछ कर सकूँ तो मैं एथिज्म के बारे में और भी कुछ बड़ा कुछ करना चाहूँगा। और इतना ही बोलना था, और क्या बोलूँ मैं, मेरे और कुछ भी मैं बोल सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को मेरा एक कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बोलना तुम लोगों में से कौन कौन एथिस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में दे देना। तो बाय।